हाय गाइस, माय नेम इज़ अतुल। और प्रोटीन के लिए मैंने क्या लिया है अभी, ये गौरी चिकन शॉप आप देख कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने 28 रुपीज़ 100 ग्राम का चिकन ब्रेस्ट बोनलेस लिया। तो मैंने एक्चुअली 200 ग्राम लिए और 28 रुपीज़ 100 ग्राम, तो 280 रुपीज़ किलो का। और उसको अभी मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये चिकन मसाला लगा के उसको बॉइल करूँगा और खाऊँगा पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन के लिए चिकन ब्रेस्ट। तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं। बॉयल करे 128 चिकन, 180 देसी, 220 एग। अरे एग अभी महंगा है, अभी ठीक है, 60 रुपये, 170 रुपये है पूरा क्रेट इंग्लिश। तो 25 रुपये बोनलेस, 270 मैं ले रहा हूँ बोनलेस। ये मेरा है, कितना 320 हो गया, वो 270 हो गया, 50 रुपये घटा। तो ये है चिकन ब्रेस्ट, मस्त लोग काट के दे रहे हैं। तो ये देखो 54 रुपीज में इतना ही आया, ठीक है, मसल बिल्डिंग के लिए इतना ही। तो ये कितनी मिनट से मैरिनेट करना, तो मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं हम लोग अभी चिकन। ये चिकन धोया है हम लोग ने अभी 15 मिनट के लिए। इसको गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के 5 रुपये का, उसको अभी हम लोग 200 ग्राम। तो ये सारा बोल रहे हैं ये बोन वाला 50 रुपये पाव किलो मिलता है और मुझे ये पड़ा 54 रुपीज़ में 200 ग्राम। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग बोन वाला लेंगे कैसा, 50 रुपये आधा किलो, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम। पर अभी फिलहाल के लिए आज का मेन्यू तो यही है, अभी इसको सब मैरिनेट करके 15 मिनट रख देने का और बाद में चिकन मसाला कभी डाके था मैं अंतर डाक। हाँ चिकन मसाला बाद में डालते हैं, ओके। पहले ये 15 मिनट ऐसे ही करके रख देने का, हम लोग ने धोया उधर से ला के और स्टॉप है चिकन मसाला आता डाकते ओपन है, ओपन है, मैं ओपन के लिए, ओके। और चिकन मसाला भी हम लोग अभी डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को सिर्फ ये एक बॉयलर पे इसमें रख के इसके अंदर हम लोग को बॉयल करना है, बस बाद में खाना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको सस्ता वाला दिखा दूंगा बोन वाला मसाला है। तो मसाले से ये 15 मिनट हम लोग ऐसा मैरिनेट करके रख देख रहे हैं चिकन मसाला डाल के और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के 5-5 रुपये वाला, लेट्स सी। थोड़ा नमक, नमक पन थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल दो टू टेस्ट, ओके। तो ये है मैरिनेटेड चिकन और हम लोग इसको अभी 15 मिनट के लिए रख रहे हैं। तो ये हम लोग इस बाउल में सर बड़ा झाला पाव किलो ने आणला जास्त झाला असा ना एवढा झाला, हे पाव किलोचाच कंटेनर है, ओके। तो ये 200 ग्राम है तो इतना कंटेनर में आ गया। अभी इसमें हम लोग इसको हम लोग उस बॉयलर पे बॉयल करने के लिए रख रहे हैं। सर पूरा मसाला एकदम निचोड़े, तुम्ही पाणी ठेवणार की नाही ना, पाणी सोडता ना ते थोडंसं ठेवायला लागतं, थोडस पाणी रखा है भाई, ये जो धोया उसका मसाले का पाणी रख दिया और नीचे बॉईल करने के लिए ये हम लोग एक बॉयलर पे चिकन बॉईल कर रहे रख रहे हैं। और ये सर ने बटन दबा दिया और बॉईल कितनी मिनट है सर, ये आधा घंटा, ये आधा घंटा अभी बॉईल होगा, देखते बाद में हम लोग बताते हैं कितना च्यूवी है, कितना टेक्सचर है, क्या है। तो ये सर 200 ग्राम इतना फूल के ऊपर आया, बराबर है ना, पाव किलो से अजून आलास बाहर पडला, इतना इनफ है 200 ग्राम। तो हम लोग अभी ये रेडी हो गया है चिकन, तो इसको भी टेस्ट कर रहे हैं छोटा सा पीस लेके, वो बर्ड फ्लू की वजह से कुछ ज्यादा ही कुक कर दिए। अच्छा लग रहा है, हाँ चांगला वाला लगता है, बॉइल है। तो आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन है 100 ग्राम इनफ झाले ना सर एका माणसाला, 100 ग्राम इनफ है आफ्टर वर्कआउट खाने के लिए, ओके। बॉइल्ड चिकन फॉर मसल बिल्डिंग, आणि काय होतं चांगलं
बस प्रोटीनच्या जागेवर चिकन खाऊ शकता, हेल्दी चिकन। चल बाय। अच्छा आपको सर्दी बर्दी वगैरह रहेगा तो मस्त चिकन स्टॉक पी के ये हो सकता है। क्या बोलता था चिकन सर्दी दूर हो जाओ उसका सब। और ये चिकन मसाले का अच्छा टेस्ट आ रहा है उसमें, थोड़ा अदरक भी रखा और ये सर चिकन स्टॉक थोड़ा सूप जैसा अच्छा हो रहा है, बस इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आप घर पर ट्राई कर सकते हैं।